भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक मंत्र के द्वारा कर सकते हैं किसी भी महिला को अपने वश में। जी हाँ, एक हल्दी का टुकड़ा लेना है आपको, हल्दी की गांठ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। हल्दी की गांठ से आप कर पाएंगे किसी भी महिला को अपने वश में। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा वशीकरण जो कि प्रचंड वशीकरण है और जो काम करता है महिला को वश में करने में। किसी भी महिला को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं, जो महिला आप जिस महिला के प्रेम में हो, उस महिला को वश में करने का बस एक ही तरीका आज आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों ने आजमाया है। और अगर आप सच्चे मन से किसी महिला को प्रेम करते हैं तो आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। हमारे बहुत सारे भक्तों ने इसका उपयोग किया और उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। जी हाँ, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं और आपकी भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे करने का तरीका क्या है। ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। आपको ये मंत्र लिख लीजिए आप, ओम नमो कामेश्वरी देवी महिमावश्यम स्वः। जी हाँ, यहाँ पर महिमा लिखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इस जगह पर आप उस लड़की का नाम, जैसे कि मान लीजिए अगर लड़की का नाम महिमा है, तो आपको यहाँ पर महिमा लिखकर इस तरह से इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको करना है पूरे 551 बार, और आपको हल्दी के ऊपर फूंकना है। जी हाँ, जितनी बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे उतनी बार आपको हल्दी की इस गांठ पर फूंकना होगा। तो आप इस व्रत को, इस उपाय को कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन एक जगह पर नहा धोकर स्वच्छ कपड़ों में आसन लगाकर बैठ जाएं और अपने हाथ में हल्दी की गांठ ले लें। सीधे हाथ में आपको ये हल्दी की गांठ लेनी है और उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस हल्दी की गांठ को अपने बिस्तर पर, यानी कि अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। इस मंत्र से अभिमंत्रित की हुई इस गांठ को सुबह जब आप सो कर उठेंगे तो आपको इस हल्दी की गांठ को ले जाना है और नीम के पेड़ के नीचे आपको गड्ढा खोद कर इसे वहां पर दबा देना है। आप देखेंगे कुछ ही घंटों में आपके पास उस महिला का कॉल आएगा या फिर वो खुद आपके पास दौड़ी चली आएगी और आपकी बात मानेगी। जी हाँ, आपकी दीवानी हो जाएगी और आप अपने मनचाहे कार्य को उससे करवा पाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप इस उपाय को कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये उपाय करें, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इसके अलावा कोई भी वशीकरण अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। जी हाँ, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप देखते रहें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।